हेलो दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि हमारे देश में पूरे एक दिन का शोक मनाया जा रहा है। इसे जानने के बाद आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर आज ऐसा क्या हो गया कि हमारे देश में एक दिन का शोक मनाया जा रहा है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा जायद, जिनकी पिक्चर मैं अभी शो कर रही हूँ, ये इनकी डेथ हो गई है, जिसके कारण हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा एक दिन का शोक मनाने के लिए ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर के जरिए दुख जताया है और हमारे देश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। तो इस दिन हमारे देश में जब राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है तो इस तरह से झंडे को कुछ नीचे कर लिया जाता है, जिस तरह पिक में शो हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं आगे। तो चलिए जानते हैं कि मैप में, वर्ल्ड मैप में यूएई कहाँ पे स्थित है। तो गाइस, आप लोग वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं कि ये रहा अपना प्यारा भारत, सॉरी, तो ये रहा अपना इंडिया और यहाँ पे रहा यूएई, ये रहा दुबई के अबू धाबी यहाँ पे, और ये यूएई रहा। तो गाइज़, आप सब देख सकते हैं कि दुबई और दुबई के पास में ही अबू धाबी और यूएई जो है वो स्थित है, संयुक्त, जिसको बोला जाता है हिंदी में संयुक्त अरब अमीरात। ओके, तो आगे चलते हैं। तो देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय शोक का ऐलान हमारे देश में कब कब किया जाता है। गाइज, आइए देखते हैं। तो जब कभी भी किसी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट और गवर्नर, सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, लोकसभा स्पीकर्स, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ मिनिस्टर और कोई भी भारत रत्न जो दिया गया हो, अगर उनका डेथ हो जाता है तो हमारे देश में राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया जाता है। इसके अलावा हमारे देश में जिस भी व्यक्ति का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल हो, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हो, उसके डेथ पे हमारे नेशन में एक दिन या जितने भी दिन हो सकता है, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, तो उसके लिए हम लोग राष्ट्रीय शोक का ऐलान करते हैं। जैसा कि हम लोग नीचे देख सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के डेथ पे 7 दिन का किया गया था राष्ट्रीय शोक का ऐलान। और अभी हाल ही में आप सबको पता है कि हमारी जो लता मंगेशकर जी हैं, उनका निधन हो गया, तो इनके डेथ पे भी हमारे देश के द्वारा दो दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया था। और आगे चलते हैं। तो अगर देखेंगे कि सबसे लास्ट टाइम अगर किसी विदेश में किसी व्यक्ति का डेथ हो गया हो, तब हमारे देश ने राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया हो, तो वो है, ये रहे ओमान के सुल्तान हैं, जिनका डेथ हो गया था 2020 में। इनके डेथ पे भी हमारे देश में राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया था। तो गाइज़, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और हमारे वीडियोज़ पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज़।